दोस्तों आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने लगा हूँ हज़रत जुनैद बगदादी का। एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी और एक बुज़ुर्ग जंगल में जा रहे थे कि नमाज का वक़्त आ जाता है। दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे को नमाज पढ़ने के लिए इसरार करते हैं कि आपका दर्जा ज़्यादा बुलंद है, आप इमामत फरमाएं। अभी दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे को इमामत के लिए राजी कर रहे होते हैं कि उस सना में एक लकड़हारा आता है। ये उस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या तू नमाज पढ़ा सकते हो, तो वो लकड़हारा कहता है ये कौन सा मुश्किल है। तो लकड़हारे ने लकड़ियां रख कर नमाज पढ़ना शुरू की। दोनों नमाज लकड़हारे के पीछे पढ़ने लगे। लकड़हारा सजदे को कभी तवील कर दिया करता और कभी सजदे को जल्दी से अपना सर उठा लेता सजदे से। नमाज ख़त्म करने के बाद दोनों बुज़ुर्गों ने लकड़हारे से इसकी वजह पूछी, तो लकड़हारे ने कहा कि जब मैं सजदे में सुबहाना रब्बी अलाला कहता था तो जवाब आता था लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। जब तक जवाब नहीं आता था मैं सर नहीं उठाता था। ये नमाज़े इश्क है बेशक, और अल्लाह पाक हम सबको बाकायदगी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलामीन।